अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ अलग मौजू, आशिक माशूकी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। सही में कहा जाए तो अब इसे मजहबी रंग भी दिया जा रहा है। अगर कहीं हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की होते हैं तो उसे लव जिहाद या भगवा लव ट्रैप, इस तरह दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, पर किसी मोहब्बत को साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है तो बात कुछ और हो जाती है और अलग रुख अख्तियार कर लेती है। उमूमन इस तरह की बातें पहले कभी नहीं हुआ करती थी, पर अब गैर मर्दों से ताल्लुकात गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए भी क्योंकि हर मामले को मजहबी रंग देना कुछ लोगों का धंधा बना हुआ है, और खासकर अगर इसमें कातिल एक मखसूस समाज का हो तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। भगवा लव ट्रैप को लेकर भी इस तरह की बातें कहीं सुनी जाती है, ये भी अपनी जगह पर सच है। अब इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या वो लड़कियां बालिग नहीं रहती? वो सब कुछ जानती हैं। अब तो वक्त से पहले ही सब कुछ लोगों को इल्म होता जा रहा है। अब वो लड़कियां बालिग होती हैं जिन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, मतलब जब खौफ खुदा खत्म हो जाता है तो गलत और गुनाह का एहसास भी खत्म हो जाता है। वो अलग दुनिया में जिंदगी गुजारने लगती हैं। खासकर आला तालीम याफ्ता लड़कियां जो पीजी में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, बड़ी कंपनी में वो बड़े ओहदे पर फाइज रहती हैं, फिर हॉस्टल में रहती हैं। पिछली मर्तबा भी हुबली में लिविंग रिलेशन में रहते हुए अख्तलाफात हुए तो फयाज ने नेहा का कत्ल किया, उसे लेकर मुल्की सतह पर माहौल को गर्म करने की कोशिश फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से, फिरका परस्त पार्टियों की जानिब से की गई। इसी तरह बेंगलुरु में फरीदा खातून का कत्ल गिरीश ने इसलिए किया क्योंकि इसने शादी करने से इनकार कर दिया। एक तवील फहरिस्त है। उड़पी के प्रवीण चौगले ने एनाज का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि दिगर अपराधों का भी कत्ल किया। खैर, पिछले कुछ अरसे से रिलेशनशिप में रहने वाले अचानक जान लेने तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि ये रिलेशनशिप खुद एक अपने आप में फितना है, इस पर बात करते हैं। कल ही मुंबई में 20 साल की यशश्री शिंदे नामी लड़की का कत्ल किसी दाऊद शेख ने किया। अब इस मामले को लेकर फिर हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश फिरका परस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये उस वक्त ही जाग उठते हैं जब कातिल कोई किसी मखसूस मजहब का हो। महज दो दिन पहले बेंगलुरु में 24 साल की कृति कुमारी, जो बिहार की थी पर पीजी में रहती थी, इसका कत्ल बेरहमी से अभिषेक नामी शख्स ने किया। 20 बार चाकू से हमला करने के बाद गला काट दिया। आप इस वीडियो में जो स्क्रीन पर चल रहा है देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह ये शख्स पीजी में प्लास्टिक के बैग में चाकू लेकर कीर्ति कुमारी का इंतजार कर रहा है और जैसे ही बाहर आती है कत्ल कर देता है। सिर्फ कर्नाटक महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो बेशुमार वाकये पिछले कुछ ही महीनों में पेश आए जिसमें हिंदू मुस्लिम यानी कि लड़का लड़की हिंदू मुस्लिम दोनों सभी है। किसी मामले में लड़की मुस्लिम है तो किसी मामले में लड़की हिंदू है। दरअसल इन मामले का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं रहता। आखिर माशरे में बढ़ती वारदातों के पीछे गिरता अखलाक के मियार ही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि मर्द बहुत ही शराफत के पुतले, लेकिन जब लड़कियां रिलेशनशिप में रहने लगती हैं तो इस तरह की वारदातें पेश आना लाजिम हो जाता है। कहते हैं जब शादियां महंगी होने लगती है तो जीना आसान हो जाता है। शादी मियां बीवी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है और निकाह के वक्त मर्द से तमाम नानो नुतफों को कबूल करने का वादा भी किया जाता है। मियां बीवी के हुकूक एक दूसरे पर आयत किए जाते हैं, तब जाकर हाजरीन मजलिस को निकाह जायज तरीके से मुकम्मल किया जाता है। हलाल और हराम के दरमियान एक सिर्फ हल्की लकीर होती है, पर यह हल्की लकीर की वजह से तमाम मायने ही बदल जाते हैं। कयामत के करीब जिना आम हो जाएगा, पहले ही बताया गया, और फिलहाल मौजूदा दौर में तो आप देख रहे हैं कौन मर्द कौन खवातीन, बुजुर्ग बूढ़े सब इसमें मुलव्वस है। खैर, अब ज्यादा इल्म होने लगता है तो अक्ल भी मारे जाने लगती है। गलत कामों के लिए हजार दलीलें पेश करो कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जब बुनियाद ही गलत कामों की रखी गई हो तो आगे नताइज इस तरह के ही बरामद होने लगते हैं। ये एक समाजी बीमारी है और समाज के हर तबके को और खासकर वालिदैन को अपने बच्चों को लेकर संजीदा होना पड़ता और होना चाहिए। आजकल दौलत पढ़ाई की आड़ में आजादी फैश हुरियत को जदीद दौर की जरूरतें समझने वाले बदकिस्मती से मुसलमानों में भी पाया जा रहा है, जिसकी कीमत इस माशरे को चुकानी पड़ रही है। आजाद ख्याली ने हलाल हराम के साथ हया को भी बेदखल कर दिया है। कुछ ऐसी लड़कियों को भी हमने देखा कि बुरखे के आड़ में आजाद ख्याली के पंख लगाकर उड़ती रहती है। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के साथ ये नहुसत बेलगाम जैसे छोटे शहरों में भी देखने को मिल रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। मतलब आपकी दौलत आपकी औलाद, जब आप हर मामले को खौफ खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर आपके दिलो जहन से खौफ खुदा निकल जाता है तो अपने औलाद को भी सही तरबियत नहीं दे पाएंगे। हम देख ही रहे हैं कि नौजवान नस्ल किस तरह
खुराफात में मुलविस है। लड़कों के अलग मसाइल है तो लड़कियों के अलग मसाइल है। जिस तरह कत्ल की वारदातें पेश आ रही है, इसकी बुनियादी जिना गलत फहश हुरियानत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि तुम उस कौम को अगर बर्बाद करना चाहते तो उस कौम में फहश और हुरियानियत को आम करो, जिससे नौजवान भटक जाएंगे। और यही दौर आज हम देख रहे हैं। अब तो आजाद ख्याली को कुछ पढ़े लिखे खानदानों में गलत भी नहीं समझा जाता। इस दौर फितन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही और गलत की पहचान करना, क्योंकि सभी के पास दलीलें हैं और हर कोई अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता रहता है। खैर, मुंबई में यशस्वी शिंदे की लाश झाड़ियों में पाई गई। अब दाऊद को जिम्मेदार ठहराकर पूरे मुल्क में माहौल गर्मानी की साजिशें हैं, फिरका परस्त कर रहे हैं। यशस्वी के वालिद ने दाऊद पर अपना शक जाहिर किया हुआ है। जाहिर है बिलावजह तो वारदात पेश नहीं है। कत्ल तक का कोई इरादा करता है तो इसके पीछे कहानी जरूर होगी, जो भी हो, लेकिन जुर्म की हिमायत नहीं की जा सकती। कर्नाटक में कई वारदातें पेश आई जिसमें कॉलेज हॉस्टल पीजी में रहने वाली लड़कियों का कत्ल किया गया। बड़ी कंपनियों में मुलाजमत करने वाली पढ़ी लिखी खातून भी इस तरह के कातिलों का शिकार बनती जा रही है। कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां जहां बड़ी तनख्वाहें होती हैं, गैर मर्दों से ताल्लुकात अब खवातीन बुरा भी नहीं समझ रही। अखराजात का दायरा इतना वसी किया गया कि मर्द औरत दोनों भी कमाते हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं रहता। भले जमाना कुछ भी हो, लेकिन घर के बाहर जब कदम रखती है तो फरिश्ते उस पर लानत बरसते, इतना जरूर है। बच्चों की तरबियत सही नहीं हो पाती, दीनी माहौल तो बहुत दूर की बात। जब छोटे बच्चे घरों में रहते हैं तभी वालिदैन मकतब को वगैरह भेजते रहते हैं। तस्वीर आपने तमाम मोहल्लों में देखी होगी, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं तो वालिदैन के हाथ से औलाद छूट जाती है। जाहिर है वालिदैन ही दीनदार ना हो तो औलाद की तरबियत कहां से कर पाएंगे। आखिर में नतीजे सभी देख रहे हैं। इंसान ख्वाहिशात का समंदर है। जो शख्स अपने नफ्स पर कदम रखता है वही दुनिया आखरत में कामयाबी हासिल करता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।